हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सुमन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रामदाना के लड्डू की एक बहुत ही यम्मी मिठाई लेके आई हूँ। बिहार स्टेट के गया डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही फेमस ये मिठाई है, सभी को बहुत पसंद आती है। इसे हम 2 से 3 मिनट में बहुत ही आसानी से रेडी कर लेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम गया डिस्ट्रिक्ट के धनरवा ब्लॉक की बहुत ही फेमस एक मिठाई बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसे लाई से बनाया जाता है। ये जो एरिया है ये लाई के लिए बहुत फेमस है। इसमें खोया डाल के बहुत ही यम्मी मिठाई रेडी करते हैं। इसको राजगिरा के लड्डू, मावा लाई या कहीं कहीं अमरनाथ के सीड्स भी बोलते हैं, चौलाई भी बोलते हैं, चौलाई के सीड्स भी बोलते हैं। रामदाना के लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 400 ग्राम खोया लिया हुआ है। ये फ्रेश घर का बना हुआ खोया है, इसे मैंने घर पे ही बनाया था। और इसे हमें बहुत धीरे धीरे काफ़ी स्लो फ्लेम पे हमें इसे हल्का सा भून लेना है। वैसे तो ये काफ़ी ड्राई हो रहा है, तो बस हमें इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर करीब 2 मिनट के लिए खोए को भून लिया है। अब हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मोटा बूरा लिया है। आप मोटा बूरा या चीनी या बूरा कुछ भी ले सकते हैं। करीब 1 कटोरी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करके हम धीरे धीरे फिर से इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे कि हमारी जो शुगर या जो बूरा आपने ऐड किया है वो मेल्ट हो जाए। फिर अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी सफ़ेद इलायची को ऐड करेंगे। करीब 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद इलायची के पाउडर को इसमें ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो खोआ है बहुत अच्छे से भुन भी गया है। पहले से ये काफ़ी ड्राई था तो हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। करीब 3 चम्मच मैंने यहाँ पर दूध ऐड कर दिया है। इससे ये होगा कि खोआ तो हमारा खूब अच्छे से भुना हुआ था ही, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा लिक्विड इसका हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी जिससे लड्डू हमारे बन सकें। यहाँ पे हमारा जो खोया था वो काफ़ी ड्राई था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध इसमें मिलाया है। अब फ्रेंड्स, अगर जैसे आप घर में बना रहे हैं और आप लड्डू के लिए बनाना चाहते हैं तो खोए को बहुत ज़्यादा सूखा ड्राई ना करें। तो उसे जब से खोया बनने की एक स्टेज जो पहले होती है, हल्की रबड़ी बनने के बाद की जो थोड़ी गीली सी स्टेज होती है, उसी में आप उसको निकाल लें। तो अगर वैसे है तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला के हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए थी वो हमने इसकी ले ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि खोए की जगह पे हम मिल्कमेड भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिल्कमेड अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 कटोरी आप मिल्कमेड इसको यूज़ कर लें। मिल्कमेड में अलग से शुगर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो काफ़ी मीठा होता है। तो वो आप देख लें कि जिस तरह के आपको मीठा पसंद है उस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। रामदाना के लड्डू बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका लाई का है। ये लाई रामदाना के लाई के नाम से फेमस है। और इसे जैसा मैंने आपको बताया कि अमरनाथ सीड्स की लाई भी बोलते हैं, इसको चौलाई की लाई भी बोलते हैं। और ये बहुत ही आसानी से मॉल में मिल जाती है, जब नवदुर्गों के व्रत के समय भी मिलती है, और फिर जाड़े में तो ऑल टाइम मिलती है। तो अगर आपके पास फ्रेश लाई नहीं है तो इसकी जगह पे हम ये लड्डू भी यूज़ कर सकते हैं। धनरवा के लड्डू और या जो राजगिरा के लड्डू बोलते हैं, ये इसी लाई से बनाए जाते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो मार्केट में लाई मिलती है व्रत के समय, तो इसमें थोड़ी सी मिठास के लिए गुड़ मिला होता है, और वहाँ पे जो लड्डू बनाए जाते हैं वो सिंपल प्लेन लाई से बनाए जाते हैं। बस यही फ़र्क है। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट लिया, इसमें करीब 12 लड्डू हैं। इन लड्डुओं को इस तरह से मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, और इसे हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा सा फोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है, इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम इसके दाने को इस तरह से अलग कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये हो जाता है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। हम इसमें खोए को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें लाई को बिल्कुल भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बिल्कुल रेडी है। खोए को पूरा एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करें। और देखिए, यहाँ पे मैंने सारा खोया इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे तो जो खोए का मॉइस्चर है वो लाई इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एक छोटा सा पोर्शन हम अपने हाथ में लेकर के इस तरह से राउंड शेप दे के देखते हैं कि हमारा लड्डू बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं टूट रहा है, यानी कि हम इससे इस मिक्सचर से लड्डू को रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर हमारा बना है, इसी रेशियो में आप बनाइएगा। अपनी हथेली में थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें और इस तरह से दोनों हाथ में घुमाते हुए गोल शेप दे करके इसके लड्डू रेडी कर लें। इसे आप थोड़ा सा हल्का सा प्रेश करके भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़े काजू से इसको डेकोरेट करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे लड्डू बहुत ही जल्दी रेडी हो गए हैं। देखिए, ऑयल फ्री है, खाने में बहुत टेस्टी हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, 3 से 4 मिनट में।
अब ये जो काजू हमने ने अभी आपको दिखाए थे, इसको मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर में डिप कर दिया था, ऑरेंज जो फूड कलर था उसी में थोड़ा सा दूध डाल के उसको मिक्स कर दिया और उसी में इस काजू को मैंने थोड़ा डिप कर दिया 2 मिनट के लिए, तो कलर आ गया इस पर। रामदाना के लड्डू को व्रत में भी बना के खाया जा सकता है, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के आप इसको रेडी कर सकते हैं। कभी आपके घर में कोई अचानक गेस्ट आ जाए या आपको कुछ हल्की मिठाई खाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारे लड्डू बने हैं। सर्दियों में तिल के लड्डू तो हम सभी बनाते हैं, इस बार आप रामदाना के लड्डू को ज़रूर बना के देखें। और अगर इसको आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर की जगह शुगर फ्री जो पाउडर आता है उसको ऐड कर दीजिए, तो हमारे लड्डू शुगर फ्री बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।